एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं चंबा, हमारे मम्मी का है बर्थडे, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सामान लाना था। एक्चुअली मैं ये आपको एक दिन पहले का दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि एक दिन पहले ही सब कुछ लाना ज़रूरी होता है। वैसे भी आजकल कोरोना में ज़्यादा जाना आना जाना नहीं है, तो थोड़े थोड़े ही कामों के लिए, ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलिए, सेलिब्रेशन मम्मी का साल में एक बार आएगा तो हम लोग सामान लेने ज़रूर जाएंगे। पहले से ही सोच के रखा था मैंने और भैया ने। ये देखिए जी, वेलकम टू चंबा का लोगो भी यहाँ पे हमने देखने को मिल गया है। तो चंबा में अभी हम जा रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा लग पड़ी है, तो बीच बीच में घर में बिल्कुल नहीं थी, तो रास्ते का व्यू आपको दिखाती चलूँगी। और अभी बस थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, वैसे अभी थोड़ा ज़्यादा रास्ता है। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और गाइज प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें, और आप लोग आजकल वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हो, ना वीडियो देख रहे हो, ना कोई लाइक कर रहे हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे तो क्या हो गया है भाई, आप लोग मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं वॉच करते हैं? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो आगे का आपको व्यू मैं दिखाती चलूंगी और साथ में थोड़ी सी बातें भी होंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो चलिए ज्वाइन कीजिए आज मेरे साथ पूरा वीडियो। तो मैं और भैया जा रहे हैं मार्केट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग जा रहे हैं, तो बस मैं और भैया अब रेडी है मार्केट जस्ट जाने के लिए। अभी वो भैया ATM गए हैं, वहाँ है ATM हमारे यहाँ का, तो बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि स्पेशल डे ये है कि मम्मी का बर्थडे है कल, और सरप्राइज़ उनको लिए मैंने गिफ्ट भी सोचा हुआ है, क्योंकि अभी पिछले साल ही मैंने उनको गोल्ड की रिंग दी थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब इस साल भी देखती हूँ क्या लेना है। वैसे मैंने सोच ही लिया है क्या लेना है उनके लिए। वैसे एक दिन मैंने मम्मी और पापा की बात सुनी थी, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे और मैं भी वहीं थी जैसे घर के आंगन में, वो बात कर रहे थे और मैं वॉक कर रही थी। तो यूँ ही पापा ने कह दिया मम्मी को कि आप मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट क्या दोगे, तो मम्मी ने कहा कि मुझे तो पायलें चाहिए बड़ी बड़ी सी। आजकल हमारे यहाँ पहाड़ों में बड़ी जो पायलें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो मम्मी ने भी पसंद करी थी, तो वो उन्होंने कहा था। तो पापा ने कहा कोई नहीं देखेंगे, तो मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए वो लूँगी आज पायलें अपने। बस चंबा जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, भैया बस पैसे निकालने गए हैं ATM से, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और बस यही एक सरप्राइज़ हमने सोचा है कल के लिए, तो बस कल की थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, सामान वगैरह भी लाना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ चंबा में लॉकडाउन तो थोड़ा खुल गया है, बट 2 से सुबह से 5 बजे तक ही परमिशन है, तो जो भी हमें करना है उसके बीच में ही करना है। तो बस मैं और भैया ही आए हैं अभी मार्केट, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए सेफ यही है कि बच्चों का ना लाएँ। तो मैं और भैया ही निकले हैं, इसमें के पापा ऑफिस के काम में लगे थे, तो मैंने कहा हम ही जाके आते हैं। वैसे मौसम अभी बारिश वाला है, थोड़ी बारिश होने वाली है, तो बारिश का तो पता नहीं, मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाती हूँ साथ में। मास्क गलती से लगा लूँ, उनको पता लग गया कि मैंने फोन ऑन कर दिया है, तो मैंने आपको कहा था कि भैया ATM गए हैं, तो बस अब हम शुरू हो गए हैं जाने के लिए, बारिश भी शुरू हो गई है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया हमने क्या लेना है, लेकिन भैया के साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग नहीं आती है उनको ये भी एक प्रॉब्लम है, उनको ड्राइविंग नहीं आती, और वैसे भी ऑफिस वाले टाइम में वो नहीं जा पाते हैं, तो उनका टाइम अगर मैं करती, उनका वेट करती, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना था, इसलिए मैं भैया के साथ ही आ गई हूँ। तो शाम का टाइम होने वाला है, ये अभी टाइम बताऊँ तो 2 बजे के अराउंड हो गया है, अभी हमें पहुँचने में 15-20 मिनट लग ही जाएंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। तो मैं आपको शॉप में जाके दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर भैया साथ देंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी हमारे यहाँ चंबा की ट्रेडिशनल जो होती है पायल, जो मैंने लेने के लिए आपको बताया था किस तरह की होती हैं, 2-3 डिज़ाइन वो दिखाएंगे, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी अगर भैया ने फ़ोन पकड़ लिया साथ में। तो साथ में आप लोग रास्ते का व्यू इन्जॉय करें और मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरा चंबा। तो लेट्स सी।
यहाँ से चंबा की एंट्री शुरू हो जा रही है। ये देखिए हमारे यहाँ अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये जो आपको देख रही है सामने, ये सारी सब्जी मंडी है। यहाँ पे सब्जियों की दुकानें लगती हैं चारों तरफ, सब्जियों की, फ्रूट्स की, जो भी आप लोग चाहो वो ले सकते हो यहाँ से। और यहाँ साइड में जो हमने आज आप लोग कैमरे देख रहे हैं नया चंबा वगैरह यहाँ पे बनाए हैं, पुराने पुराने जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हमारे थे, जैसे ये गद्दी वगैरह बनाए हैं उन्होंने, जो भी हमारे यहाँ के जो पुराने परंपराएं थी उनकी थोड़े थोड़े स्टैचू जैसे उन्होंने बना के थोड़ी सी अपनी जो कला है उसको दिखाने की कोशिश करी है। और ये देखिए यहाँ पे है आई लव चंबा, ये भी कुछ टाइम पहले से लगे हैं, वैसे साल भर 1.5 साल हो गए हैं इनको लगे हुए, तो ये काफ़ी हमारे छोटे से शहर को अच्छा सा बना देती है। बारिश का टाइम था इसलिए ज़्यादा नहीं कर सके क्योंकि कैमरे में पानी ही पानी, फ़ोन पर पानी गिर रहा था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज भैया मेरे साथ शूट कर रहे थे, नहीं तो ऐसा होता है ना कि खुद ही अपना सब कुछ करो, बट आज मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज भैया ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, सारा भी उन्होंने ही शूट किया है। मैं तो एकदम छाता लेके खड़ी थी बारिश में और वो बेचारे बारिश में भीग रहे थे और अच्छे से उन्होंने व्यू बनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए हमारे होटल इरावती है यहाँ पे, जो भी हमारे यहाँ पे कोई भी फंक्शन होते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं वो इसी होटल पे ठहरते हैं। ये है हमारे चंबा का चौगान, जो चंबा का चौगान आप लोगों ने सुना होगा जो हिमाचली है, ये है हमारे चंबा का जो होता है स्टेज। यहाँ पे मिंजर के टाइम में बहुत ही अच्छा मेला होता है, त्यौहार होता है, जो इंटरनेशनल फेयर है हमारे यहाँ का, बट अभी कोरोना है इसकी वजह से सब कुछ बंद है, नहीं तो यहाँ सच्ची में बड़ा अच्छा मेला लगता है। 10-15 दिन तक यहाँ पे मेला रहता है, बाहर से आर्टिस्ट लोग आते हैं, सिंगर्स वगैरह, सिंगर्स नाइट होती है, बहुत अच्छे डांस बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, अपना अपनी जो भी है वो सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर मिंजर हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, बड़ा ही पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया जाता है, बड़ा अच्छा रहता है वो दिन। बट अभी कोरोना से 2-3 साल से नहीं हो रहा है। ये ऊपर हमारे एक और मंदिर है, माता रानी का चुंडी माता का मंदिर है, ये भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और इस मंदिर की एक वो है बेस्ट बात ये है कि इस मंदिर से पूरा चंबा हमारा दिखता है, एक एक पार्ट दिखता है। ये देखिए ऊपर ये हमारे यहाँ राजा का महल दिख रहा है, जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना ऊपर ग्रीन छत वाली, ये हमारे यहाँ का चंबा का जो हमारे राजा थे उनका महल था। अब तो खैर ये कॉलेज बना दिया गया है, बट पहले यहाँ पे जो राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम ये यहीं पे रहते थे, जहाँ पे जब ये राज करते थे हमारे यहाँ पे। तो ये पूरा शहर आज थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश की, और ज़्यादा दिखाना था बट बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से नहीं दिखा पाई। तो ये आ गए हैं हम जी ज्वेलरी शॉप में, मम्मी के लिए मैंने कहा था ज्वेलरी लेनी है मुझे, पायलें लेनी है। ये हमारे चंबा के ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है, सेट वगैरह है, ये हमारी चंबियाली जो होती है ज्वेलरी उसके हिसाब से है ये। और ये देखिए ये मैं पायलें देख रही हूँ, बट मुझे एक डिसअपॉइंटेड ये हुई, जो मैंने पहले पहले पायल देख कर गई थी ना वो मुझे मिली नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि जब मैं आई थी उस टाइम मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने सोचा था कि मम्मी के बर्थडे के टाइम मैं यही लूँगी, बट वो नहीं मिली। मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि वो अब नहीं है, तो वो कह रहे थे कि अगर आप लोग चाहो तो कुछ दिन बाद आके ले लीजिएगा, बट मैंने कहा बर्थडे कल है तो फिर बर्थडे चला गया तो देने का क्या फ़ायदा है, बट मैंने कहा चलो ले जाते देखते हैं मम्मा को पसंद आता है या नहीं, नहीं आएगा तो फिर चेंज करवा लेंगे अगर अच्छा लगा तो। ये मुझे एक अच्छा लगा था तो देखते हैं। इसके बाद मुझे भी मैंने सोचा चलो अपने लिए कुछ रिंग देख लेती हूँ, मुझे रिंग का बड़ा ज़्यादा शौक़ है, भले ही मैं घर में नहीं डालती बट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है रिंग वगैरह लेना, तो यहाँ पर मैंने सोचा है कुछ ले लेती हूँ अपने लिए भी। ये देखिए ये मैंने एक रिंग पसंद की थी, भैया को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मैंने ही करी है, बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इनको थोड़ा छोटा करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा हफ्ते बाद आप ले जाना, तो बस हफ्ते बाद मैं इसको ले जाऊंगी आके। तो ये था जी आज का व्यू, ये देखिए अब हम वापस की तैयारी वापस ही हो रही है हमारी। और शॉपिंग का अगर बात बताऊं, शॉपिंग तो अच्छे से हो गई, जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, बट बारिश के चलते कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि आज कुछ दिन हमारे यहाँ बारिश दिखाई गई थी जिसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। हमारे चंबा शहर में भी बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, देख आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही कम लोग हैं जिनको बहुत ही ज़रूरी काम है, शादी ब्याह के चक्करों से ही आए हैं, वही सिर्फ यहाँ पर हैं, बाकी लोग नहीं है घर से बाहर क्योंकि स्ट्रिक्ट कहा गया है बाहर फालतू के नहीं घूमना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कहा है ओपनिंग हो गई तो सभी चले, नहीं ऐसा नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से ही बाहर आ रहे हैं। तो जी सारी शॉपिंग हो गई है, मैं और भैया बस घर जाने के लिए रेडी है, गाड़ी पे आ गए हैं। बीच बीच में मैंने आपको थोड़ा तो चंबा का सारा व्यू दिखाने की कोशिश करी, बट बीच में थोड़ा नहीं क्लिप शेयर कर पाई क्योंकि बारिश लग पड़ी थी। बारिश की वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ही सारा काम निपटाने की कोशिश की क्योंकि अगर बारिश रुकने का वेट करते उसके बाद शूट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। वैसे भी 5 बजे के बाद सारी शॉप्स वगैरह बंद होने के लिए कहा है तो सभी भागते उस टाइम, तो इसीलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं करा, जो थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करी है वही था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैंने और भैया मिले, आज कुछ ज़्यादा खाया पिया भी नहीं
क्योंकि नहीं था इतना ज्यादा टाइम, और बारिश पता नहीं क्यों यार हमारे, वैसे मुझे पता नहीं था कि हमारे यहाँ हिमाचल में 2-4 दिनों के लिए बारिश बताई हुई थी। ये तो मुझे अभी भैया ने ही बताया था कि बारिश बताई है, तो मुझे तभी पता लगा। तो रास्ते का अभी तो बारिश नहीं है, बट जब हम गए थे उस टाइम बड़ी ज़्यादा बारिश थी, तो जिसकी वजह से जो सोचा था वो नहीं हो पाया, बट जो था वो थोड़ा आपको दिखा दिया। अब जाएंगे घर, उसके बाद आगे का थोड़ा क्लिप शेयर करूँगी, तो आई होप आपको अच्छे लगेगा। तो आगे का व्यू देखते हैं आगे। ओके, जब हम घर आ गए हैं, ये देखिए सिमा ने मेरे से बबल्स मंगाए थे, तो वो इसके साथ खेल रही है। शाम का टाइम हो गया है, बहुत अच्छी सी धूप लगी थी। तो ये था गाइज आज का छोटा सा क्लिप जो आपके साथ शेयर करा है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। कल आपको सेलिब्रेशन का अच्छा सा वीडियो बना के दिखाऊंगी, मम्मी का बर्थडे हमने कैसा सेलिब्रेट किया था। तो आपको कैसा लगा मेरा चंबा का व्यू, कैसा लगा मेरा चंबा की ज्वेलरी, सब कुछ मुझे बताना। तब तक के लिए बाय।